हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं मैं आपको, जो मैं बहुत टाइम से देने वाला था। और आपको मैंने ये भी बात बताया था कि MT15 ये साल लॉन्च होने वाला है। कंपनी के तरफ से एक कंफर्मेशन आ चुका है कि ये अप्रैल को लॉन्च होगा। और ये एक गुड न्यूज़ ये भी है कि आप अभी जाके बुकिंग कर सकते हो। अगर आप पुराने वाले MT15 लेना चाहते हो नए वाले MT15 लॉन्च होने के पहले, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले वाला मॉडल अभी टेम्पररीली डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो अगर आप नया मॉडल लेना चाहते हो तो 2000 रुपये से लेकर 10,000 तक बुकिंग अमाउंट देके आप बुक कर सकते हो, एंड दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर डीलर। और अगर आपको कलर्स के बारे में अगर कुछ जानना है, तो नए कलर ऑप्शंस आएंगे इसमें, जैसे ग्रे, व्हाइट, ग्लॉसी ब्लैक एंड रेसिंग ब्लू। ये चार कलर ऑप्शंस में आप कोई एक कलर ऑप्शन चूज करके आपके बाइक को बुक कर सकते हो। ये MT15 जो होगा ये बेस्ड होगा नए वाले R15 के ऊपर, तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम अभी बात करेंगे इंजन के बारे में और जो मैकेनिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर और भी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा क्या फीचर्स हैं जो इसमें आने वाले हैं और इसका प्राइस क्या हो सकता है। वो सब शुरू करने के पहले दोस्तों, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पावर ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो VVA टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अगर आपको VVA टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो ये एक वेरिएबल वाल्व एक्चुएटेड टेक्नोलॉजी होता है जो यामा ने पेटेंट किया है। इसमें आपको लोअर एंड, मिड रेंज और टॉप एंड तीनों काफ़ी अच्छा मिलता है। तो पावर डिलीवरी के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंजन सेम इंजन R15 V4 के में भी यूज़ होता है, और R15 V4 का इंजन का पावर डिलीवरी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको 18.1 ब्रेक हॉर्स पावर देखने को मिलेगा 10,000 RPM में, और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा 7,500 RPM में। और इसका जो ओवरऑल जो मैकेनिकल चेंजेस है, इसमें आपको गियरबॉक्स 6 स्पीड का मिलने वाला है। तो पहले भी 6 स्पीड का आता था, तो ये एक चीज़ है जो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि 150 सीसी में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक होता है। और नेकेड सेगमेंट में आई थिंक MT15 से अच्छा बाइक आपको नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। और ऐसे फीचर्स आएंगे इसमें, जैसे एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे और ज़्यादा फीचर्स आएंगे। R15 V4 के जैसे ही होने वाला ये, क्योंकि पहले वाले MT15 और पहले वाले R15 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता था। यहां पे भी वैसे ही आपको एक सेम सिमिलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा। यामा का वाई कनेक्ट ऐप भी अवेलेबल रहेगा इस मॉडल पर। आपको यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। और यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर मिलने का भी चांसेस है, उसका अपडेट मैं दूंगा लॉन्च होने के बाद, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है बाइक के साथ इंजन के मामले में। स्टाइलिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट मत कीजिए आप, बट डेफिनेटली चेंजेस आने वाले हैं डिज़ाइन के मामले में भी। जो ओवरऑल आप उसका जो डिज़ाइन है उसमें थोड़े से बहुत चेंजेस होंगे, और टेल सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। साइड स्लंग अपसेट एग्जॉस्ट भी मिलेगा आपको इसमें पुराने वाले मॉडल जैसे। फ्रंट फोर्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स देखने को मिलेगा, और ये होगा गोल्डन कलर में, और ये बहुत ज़्यादा लुक को एनहांस करेगा। दिस इज गोइंग टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस टू द ओवरऑल लुक ऑफ द बाइक। और ये एंड ऑफ द अप्रैल और मई के स्टार्ट में लॉन्च हो जाएगा, बट इसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है पुराने वाले मॉडल से। 5,000 से लेके 10,000 के प्राइस हाइक के साथ ये लॉन्च हो सकता है। तो अगर आप पैसा बचाने का सोच रहे थे, अभी आप जल्दी से जाके पुराने वाले MT15 को बुक कर लीजिए, अगर आपके घर के पास जो डीलरशिप उनके पास अगर स्टॉक है तो, क्योंकि अभी टेम्पररीली ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी बुक कर लीजिए। ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 282 mm का डिस्क मिलेगा फ्रंट में, और 220 mm का डिस्क मिलेगा रेयर पे। यहाँ पे आपको इस बार ड्यूअल चैनल ABS मिलने वाला है बाइक के साथ। पहले पुराने वाले मॉडल में सिंगल चैनल ABS मिलता था, यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन दिया जाएगा। दोनों व्हील्स होंगे 17 इंच, और यहाँ पे आपको 180 फ्रंट और 140-70 सेक्शन के रेयर ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। जैसे यामा ने ऑफिशियली बोला है कि MT15 का वर्जन 2.0 बहुत ही जल्दी आने वाला है, आप बुक कर सकते हो। देखिए, अगर आप MT15 को बुक करने का सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली बुक कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूवन प्रोडक्ट है और यामा एक प्रूवन ब्रांड है। और यामा MT15 इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन R15 वर्जन 4। अगर आपको R15 वर्जन 4 बहुत ज़्यादा पसंद था, बट उसका जो कंफर्ट लेवल्स है वो आपको ठीक नहीं लग रहा था, तो आप MT15 की तरफ जा सकते हो। मैं आपको कंटिन्यूसली MT15 वर्जन 2 के बारे में अपडेट देते रहूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वो अपडेट नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। फिर से मिलूंगा दोस्तों, टेक केयर, राइट सेफ, बाय बाय।